99 आदमी थे तो बीच में आया कहाँ से, एक्स्ट्रा आदमी आया कहाँ से? जितना सीट का वैकेंसी था उससे कम बच्चे अगर क्वालिफाई किए हैं और फिर हम लोग मेरिट लिस्ट में है ही नहीं। और जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें 24,598 कैंडिडेट को नाम शामिल किया गया, तो फिर हम लोग कहाँ गए? हमें रिजल्ट दिया गया और परसों भी 24,599 ही रिजल्ट दिया गया, तो फिर हम लोग जो एक सेकंड जो हम लोग क्वालिफाइड थे, हम लोग आखिर नॉट क्वालिफाइड कैसे हो गए? और क्वालिफाई जब किए उस समय रिक्ति से कम संख्या क्वालिफाई करने वालों की थी। अब हमारा 24,500 कुछ लड़के क्वालिफाई जितने भी किए थे वो सीट से बहुत ही ज्यादा कम थे। अब 2 महीने बाद फिर से जब 106 बच्चे का रिजल्ट आया उसके बाद इतने हम लोग बाहर कैसे हो गए, कहाँ गए 90% लड़का? फुल मार्क्स 150 नंबर का था, उसमें से बच्चे 110 वाले डिस्क्वालीफाई हैं। किसी तरह का कुछ बताया नहीं गया है इसमें, अचानक से 2011 वाला। आप बताइए कि 2019 के नोटिफिकेशन में सीट उसमें मेंशन था, हम लोग परीक्षा दिए, उसके बाद 2011 वाले कैसे आ सकते हैं? फिर कौन आ गया बीच में? युवा ने ऐसे में टाइप 1 बीमारी का शिकार है, इसका इलाज बहुत महंगा है। कई मांगों के साथ सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्या दिक्कत आई है, क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे यही है कि बिहार एसटीईटी का जब नोटिफिकेशन निकला था 2019 में, उस समय हम लोगों से एग्जाम सारा नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, सीट मेंशन है, सब कुछ क्लियर था। और जब रिजल्ट है हम लोग एसटीईटी पास किए, क्वालिफाई किए, और क्वालिफाई जब किए उस समय रिक्ति से कम संख्या क्वालिफाई करने वालों की थी। अब हमारा 24,500 कुछ लड़के क्वालिफाई जितने भी किए थे वो सीट से बहुत ही ज़्यादा कम थे। अब 2 महीने बाद फिर से जब 106 बच्चे का रिजल्ट आया उसके बाद इतने हम लोग बाहर कैसे हो गए, कहाँ गए 90% लड़का? फुल मार्क्स 150 नंबर का था, उसमें से बच्चे 110 वाले डिस्क्वालीफाई हैं। अब बताइए 150 नंबर में क्या 150 नंबर बच्चे लाते हैं? और शिक्षा मंत्री दिक्कत क्या रही है, क्या रिजल्ट आ गया आप लोगों का? रिजल्ट आ गया, शिक्षा मंत्री ने जिस समय शिक्षा मंत्री, अच्छा ठीक है, शिक्षा एक आदमी शिक्षा मंत्री, ठीक है हाँ, शिक्षा मंत्री ने बोला था, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से, हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने बोला था कि जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका नौकरी पक्की है, चाहे आप 12 मार्च का सारा पेपर पलट करके देख लीजिए, मीडिया हाउस से, विधानसभा से, सब जगह से बताया गया। उसके बाद भी ये ऐसा क्यों हुआ, कौन आ गए बीच में? हमारे 90% बच्चा बाहर कैसे हो गया? सरकार ने कट ऑफ बिना जारी किया लिखा हुआ है क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। हाँ तो जब सीट से कम बच्चे क्वालिफाई किए तो नॉट इन मेरिट लिस्ट में बच्चे कैसे आ सकते हैं? जब सीट से कम संख्या थी तो फिर कहाँ गए वो बच्चे? फिर बीच में कौन आ गए? दो महीने में अचानक से कौन आ गया? गाड़ी निकलने दीजिए आप लोग। हाँ बताइए, क्या दिया था शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि 24,599 बच्चा पास हुआ है और आज भी फाइनल मेरिट 24,500 का ही है, तो फिर ये कहाँ से आ गए मेरिट में? कौन छटा? एक बच्चा केवल छटा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 24,599 पास है और अभी भी 598 है 24,000, तो कहां से हुआ? मेरा मेन मुद्दा ये है कि जब जितना सीट का वैकेंसी था उससे कम बच्चे अगर क्वालिफाई किए हैं और फिर हम लोग मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, और जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें 24,598 कैंडिडेट को नाम शामिल किया गया, तो फिर हम लोग कहाँ गए? हम लोग क्वालिफाई तो सरकार तो कह रही है कि 2011 में जो एसटीईटी पास थे जिनकी पहले अनुमान्यता 7 साल थी उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 2 साल और बढ़ाया गया है, और केंद्र सरकार ने जो टी हमारी जो नोटिफिकेशन थी उसमें वो कॉम्पिटिटिव नेचर का था, उसमें सीट मेंशन था, तो जब हम मान लीजिए 100 सीट के लिए हम लोग एग्जाम दिए हैं तो हमारा नाम ना होगा उसमें 2011 वाले कैसे आ सकते हैं? नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि ये देखिए बिहार सरकार का ही नोटिफिकेशन है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि एनसीटीई भारत सरकार ने
वर्ग एक से लेके आठ तक का जो टीईटी का सर्टिफिकेट है उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया। हाँ। तो क्या आप लोगों को जानकारी दी गई है कि इस बहाली में इन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है? नहीं नहीं, नहीं कहीं कुछ किसी तरह का कुछ बताया नहीं गया है। इसमें अचानक से 2011 वाला, आप बताइए कि 2019 के नोटिफिकेशन में सीट उसमें मेंशन था, हम लोग परीक्षा दिए, उसके बाद 2011 वाले कैसे आ सकते हैं? फिर कौन आ गया बीच में? आपके आप पास लोगों की किसी से बात हुई है क्या? आपकी क्या शिक्षा मंत्री से कोई बात हुई, अपर मुख्य सचिव से क्या कोई बात हुई है? अपर मुख्य सचिव अपने बातों से मुकर रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपने बातों से मुकर रहे हैं, हम किन पे विश्वास करें? हमें लिखित आश्वासन चाहिए, हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मौखिक आश्वासन देकर मुकर चुके हैं। हम भी आप लोग शिक्षा मंत्री के घर गए थे, क्या बात हो पाई, मुलाकात हो पाई? बिहार में अभी शिक्षा मंत्री के हम घर गए थे की बात, और ये कह रहे हैं कि उसको रोकना चाहिए। पहले तो मंत्रालय ये बताए कि 24,500 जब 98 आदमी थे तो बीच में आया कहाँ से, एक्स्ट्रा आदमी आया कहाँ से जब 24,000 ही पास है? शिक्षा मंत्री अभी बोले हैं कहाँ से आया, ठीक है, रिजल्ट दिया गया 12 मार्च को 24,500 रिजल्ट दिया गया, और परसों भी 24,500 ही रिजल्ट दिया गया। तो फिर हम लोग जो एक सेकंड जो हम लोग क्वालिफाइड थे, हम लोग आखिर नॉट क्वालिफाइड कैसे हो? सरकार कह रही है कि 2011 में जो एसटीईटी पास है उनको भी दो साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है, और उनको वैलिडिटी दी गई है, लेकिन हमारा तो एस्टेट 2019 है ना, हमारे रिक्ति के अनुसार ही रिजल्ट देना था, और रिक्ति के अनुसार 12 से 1 का रिजल्ट मार्च में आया था, ठीक है सर, 12 मार्च को, और उतने ही कैंडिडेट हम लोग पास थे, ठीक है। शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आनंद किशोर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, और अपर मुख्य सचिव सर संजय सर भी थे, उन्होंने कहा कि जितने स्टूडेंट पास है रिक्ति बार रिजल्ट दे दी गई है और सबकी नौकरी पक्की है, सारे सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दी गई है। तो फिर हम लोग सर नॉट क्वालिफाइड कैसे हो गए? नॉट 12 तारीख को जो रिजल्ट आया 3 सब्जेक्ट का, हम कहना चाहते हैं कि 24,599 जब स्टूडेंट पास हुआ, और इतना जो पीछे देख रहे हैं जिनको नॉट इन मेरिट कर दिया गया, तो ये लोग कहाँ से आए? जब 24,000 उतना ही बच्चा था और 24,000 अभी भी पास है, एक स्टूडेंट फेल है, तो आया कहाँ से ये? इसका जवाब दे दे, रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन इसका जवाब तो दे। जब शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, तब जाके वो बात से अभी मुकर रहे हैं। अब पेपर का कटिंग है मेरे पास, मेरिट वाइज निकालना था तो उस दिन मेरिट वाइज क्यों नहीं निकला, उस दिन क्वालिफाई करके, और आज मेरिट वाइज निकल रहा है, ये काम कभी नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। चल रहे हैं सर, है ना, समझे ना सर, क्वालिफाइड किया गया 12 मार्च को उतना ही रिजल्ट पे, और परसों हम लोग को डिस्क्वालीफाइड क्यों कर दिया गया? आखिर क्यों हुआ? नॉट इन मेरिट से क्यों डाल दिया गया, जबकि सर रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे दिया गया था, उस टाइम भी हम लोग को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। 80% बच्चे फेल हो गए जो क्वालिफाइड थे, 80% बच्चे। लेकिन अब तो सरकार कह रही है कि 2011 में जो लोग पास थे एसटीईटी उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है जो वो बढ़ा दी गई है, तो आपको वो भी शामिल हो सर, उनके लिए रिक्ति था, लेकिन 2019 के नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जितनी रिक्ति है उतना ही के लिए एग्जाम होगा, उतना ही कैंडिडेट पास होंगे, बाहर का कोई इसमें एंटर नहीं करेगा। क्या मांग है आप लोगों की? आप लोग को क्या करेंगे? क्वालिफाइड से क्वालिफाइड करके नियुक्ति की जाए, हम लोग तो नॉट इन मेरिट लिस्ट कर दिया, गलत किया गया, हम लोग की जॉब दी जाए, शिक्षा मंत्री बोले हैं कि जॉब देनी चाहिए, जॉब है, नौकरी पक्की है लगभग इनकी, और हम लोग को नॉट इन मेरिट लिस्ट आगे दोबारा रिजल्ट क्यों जारी किया गया? जब हम लोग एक बड़ी समस्या है जो की अब सामने निकल कर आई है, बिहार सरकार ने 2019 एसटीईटी के जो नतीजे जारी किए उसमें रिक्त पदों से ज्यादा जो स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 2011 में जो एसटीईटी पास छात्र हैं उनको भी इस बहाली में मौका मिला है, और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ग एक से लेकर आठ तक टीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम कर दी गई है।